Patent defects, they would surface within 10 years period. Latent defects, एक साल के अंदर अंदर सामने आ जाते हैं. जो हमने defect rectification period रखा होता है, उसी के अंदर they surface. और जब वो ये जो patent defects होते हैं of designs, ये surface करते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर. उसको cover करने के लिए वो जो indemnity देते हैं हमें, indemnity assurance देता है. He gives a proper indemnity to the employer. Exactly. But that will make some amount. Amount in case the structure fails. Lekin wo amount has not been defined by PEC. That amount needs to be defined by the employer. Lekin ye bhi risk hai na. Ye lagbi to nahi hai. Uska design defect hoga or failure to take place in the 9th year of the construction of the structure. Lazim nahi. इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही फिक्स करें. वो ठीक है, एक इट इज एन इंडेमनिटी गिवन बाय हिम, एक्स्ट्रा प्रीमियम ही हैज टू पे फॉर दैट इंडेमनिटी, समबडी हैज टू डिस्चार्ज दैट रिस्क. तो वो डिफरेंट है. वो जो डिजाइन के फेलियर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स होते हैं, उसके सिलसिले में डबल द अमाउंट ऑफ डिजाइन फी, वो पीसी बाय लॉस. लेकिन पीसी के कंसल्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये शर्त रखती गई है कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी अश्योरेंस हासिल की जाएगी हर प्रोजेक्ट पर. उसकी रकम नहीं मुतय्यन की है पीसी. मैं तो कहता हूँ एम्प्लॉयर से हिमसेल्फ जी कितना होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ वर्क इतनी है जना, अगर डिफेक्टिव डिजाइन की वजह से स्ट्रक्चर फेलियर होता है या डिजाइन फेल होता है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस योर प्रोफेशनल इंडेमनिटी वुड बी एनकैश्ड. ये बिल्कुल एक इंडेमनिटी इज दैट समबडी एल्स. जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स क्वाइट ओके. कई दफे ये मिक्स हो जाता है ना, ये टोटल ड्यू टू डिजाइन होता है ना, ये टोटल ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप होता है या डिफेक्टिव मटेरियल्स के इस्तेमाल से होता है. कई दफे इट्स अ मिक्स ऑफ द टू. ये जो इनका गोदाम गिरा था अकोड़ा में, बड़ी बड़ी लीडिंग इन्वेस्टिगेशन टीमें आई थी, उन्होंने कहा जी इट्स अ मिक्स ऑफ द टू, दिस इज अ डिजाइन डिफेक्ट ऑल्सो, डिजाइन फेलियर एज वेल एज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द contractor, that he was not constructing according to the way it should have been constructed, and he used materials jiski tasveerein wagar dikhai gayi thi courts mein ki ji dekhiye ye material istemal kiya gaya, even iski reinforcement jo hai wo bahar nazar aa rahi hoti, it was not properly. सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट भी तो होगा ना, सुपरविजन भी उसके जिम्मे थी ना, तो ही शुड हैव सीन के जी द मेथड अडॉप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो नॉर्मली अनएजुकेटेड होते हैं, वो ठीक मेथड है कि स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेल नहीं होगा. क्योंकि बिल्कुल इस तरह से वो ताश के पत्ते गिरने शुरू होते हैं ना, उस तरह फेलियर. वो मैंने खुद आई विजिटेड द साइट, आई एग्जामिन द फेलियर, आई वॉज आस्क्ड बाय पाकिस्तान टोबैको टू फाइट देयर केस इन मुशर्रा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. I had gone to see the, I had seen the failures also, I had examined the reports also given by leading consultants. It is a mix of the two. Aise mauke par, it's a, jab contributory negligence ho jaye na dono taraf se, to then apportion hum karte hote hain ki ji ab kisko kitna jurmana lagna chahiye. Ji design ka kitna failure tha, what contribution was done by the designer, वो उसको तो कुछ भी नहीं मिला था डिजाइनर को, बल्कि उल्टे उसके अगेंस्ट क्लेम रेज कर दिए गए. और कॉन्ट्रैक्टर जो है, हाउ मच लॉस ही मस्ट बियर,
ये मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है. कई दफा कंसल्टेंट ऑल्सो डिजाइनर ऑल्सो इज निग्लेक्टफुल एंड दी कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो निग्लेक्ट्स. ये जी व्हाट इज द क्लेम इज अ डिमांड फॉर सच कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी इज कॉल्ड अ क्लेम. देखिए जी कंपनसेशन होती है. कईयों ने कहा विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो क्लेमों से उतनी काटे जा सकते. नो दो इट्स अ कंपनसेटरी पेमेंट. वट एवर यू हैव सफर्ड आई एम कंपनसेटिंग यू थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लेम. यू हैड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन. लेकिन जो हमारा टैक्स लॉ है वो कहता है कि एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स व्हाटसएप जब दोगे विदहोल्डिंग टैक्स काटोगे. इस पर बात उठी थी कि जी कि क्या क्लेम्स जो कंपनसेटरी क्लॉजेस के तहत जनरेट होते हैं क्या उन पर से टैक्स काटना जायज है. उन्होंने कहा बिल्कुल उससे भी विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा अगर आप कंपनसेटरी पेमेंट भी कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को. टाइम एंड मनी बोथ सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ क्लेम्स गिव्स एन एज टू द कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज थ्रू सच क्लेम्स ही कैन मेक गुड द लॉस ऑफ टाइम एंड मनी ओकेजन by the claimable events. जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स इस मुल्क से मैक्सिमम कमा के गए हैं जी उनकी क्लेम्स और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लोग हुआ करते. जिस तरह शाम्बू की अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लोग होते थे और क्लेम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में कोई बंदा नहीं होता था. देखो उनका सफरेज इवेंचुअली जो सफरेज हुआ है कि बिल्कुल दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी डिफरेंट स्टेज. जीबीसी फॉर दैट मैटर इसके बाद सबसे बड़ी तादाद जो रखी गई थी इनकी टाइम क्लेम सेक्शन अलग थी. उसमें छह बंदे वहां बिठाए हुए थे जो टाइम क्लेम्स बनाते थे ईओटीज. 12 बंदे कॉस्ट क्लेम्स के रखे हुए थे and they were given the highest salaries etc. and when they went from here in addition to earning the contract price they got $99 million in the form of claims or traders about the claims. the claim ki department ko itni mazboot jo acche contract wo claims claim makers claims managers कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं. दैट्स द रीजन दे आर पेड वेरी हैवीली बिकॉज दे जनरेट अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू. रिस्क एलोकेशन जी ये बात क्लेम मैनेजर जब भी होगा ही मस्ट एग्जामिन द कॉन्ट्रैक्ट टू फाइंड आउट how different risks have been allocated. Events ki risk hoti hai if this happens it was something which was not foreseen if that happens to phir who would take the risk of that happening. The main objective of any contract is to allocate risk between the contracting parties. Risk of likely events and occurrences affecting the performance of the contract are allocated between the contractor and the employer public client through various provisions of the contract. ये risk allocation की scheme जो है ना इसको examine करता है claims manager हमेशा. risk allocation की scheme क्या अच्छा जी ये event हो जाए तो employer की risk है. अगर drawings delay हो जाती हैं तो जनाब ये तो risk of the employer है. अगर कोई ऐसी physical obstruction या condition पाई जाती है site पर this is the risk of the employer not of the contractor. अगर site possession of site or access to site nahi di jati so it's the risk of the employer. He would bear the cost as well as the time. Loss of time bhi wo compensate karega aur wo bhi. There are many such clauses in the contract. Contractor
دیکھیں جی کانٹریکٹر یہی چیز تو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں اپروول اسٹیج, یہی تو یہ مستیاں کرتے ہیں کہ یہ کچھ ایکٹیویٹیز کو یہ کریٹیکل ایکٹیویٹیز ڈکلیئر کر دیتے ہیں دو دے آر ناٹ کریٹیکل ایکٹیویٹیز. لیکن کریٹیکل ایکٹیویٹیز کی تو ایک چین بنتی ہے نا جو کمپلیشن ڈیڈ لائن کو آگے پیچھے کرتی ہے, ادھر ڈسٹربنس ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی میں پھر بھی کمپلیشن ڈیڈ لائن جو آگے پیچھے ہوگی, اس سیکنڈ ایکٹیویٹی پر امپیکٹ کوئی ڈیلے ایونٹ آتا ہے تو اگین دی کمپلیشن ڈیڈ لائن وڈ موو.